प्रत्यक्ष समुत्पाद के अंदर या प्रत्यय समुत्पाद के अंदर एक शब्द यानी शब्द बार बार आएगा, पच्चया। पच्चया को संस्कारित भाषा में प्रत्यय बोलते हैं। ये पच्चया और प्रत्यया बहुत पुराना शब्द है। जब आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष समुत्पाद, तो उसके अंदर भी प्रति अच्छ समुत्पाद आता है। ये बहुत साधारण सा इसका मतलब है। आज की भाषा में हम ये कह सकते हैं इस हेतु से या इस कारण से या इसके द्वारा। जब हम ये बोलते हैं अविज्ञेय पच्चय संखारा, इसका मतलब ये होता है कि जो संखारा है वो अविज्ञा के कारण से बनता है। पच्चया का मतलब यहां होता है प्रति तत्व, यानी कि इस प्रति तत्व से ये बनता है जिसको प्रत्यय बोलते हैं। यानी जो तत्व होता है उसके प्रति जो परिणाम आता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय हिंदी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो पच्चया है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। मगर यहाँ इसको समझ लें कि ये जो पच्चया शब्द है पाली के अंदर बार बार आएगा। अविज्ञा पच्चय संखारा या संखार पच्चय व्याणंग, ऐसे करके ये पूरी सीरीज आएगी जो अलोम और विलोम में दोनों में आएगी। इसलिए पच्चया का मतलब सीधा सा है इसके द्वारा या इस हेतु से या इसके कारण। जैसे पहली वाली सीरीज में अविज्ञा में बताया था कि अविज्ञा के द्वारा संखारा पैदा होता है, और संखार से यानी संखारे से अगर संखारा होगा तो व्याणंग यानी विज्ञान या व्याणा पैदा होगा। ये बहुत सिंपल सा बहुत साधारण है। धन्यवाद।